मेरा नाम मोहम्मद दाऊद आलम हुआ जी। मैं घोड़ासहन प्रखंड के भिलवा बगई भिलवा के रहने वाला हूँ जी। जी तो सर, आप जो राजनीति में आए हैं ढाका विधानसभा क्षेत्र से, तो आपकी क्या सोच थी और क्या वजह थी कि आपको राजनीति में उतरना पड़ा? देखिए, हमने राजनीति में कदम रखा है एक बहुत ही यानी कि विचलित परिस्थिति में कि पूरा देश जान रहा है। देखिए, अगर जनता हमको सहयोग करती है, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहता है और हम जीत करके जाते हैं, तो सबसे पहले हम अपने क्षेत्र की जो भी विकास का काम है, जैसे रोड नाली ये सब जो भी काम हो रही है, आप लोग देख रहे हैं, किसान प्रशासन के पास, अधिकारी के पास जो घुसखोरी का काम जो चल रही है, सबसे पहले उस पर हम अंकुश लगाएंगे। डॉक्टर लोग जो यानी कि अपने मनमानी तरीके से फीस वगैरह ले रहे हैं, या जांच घर वाले जो अपने मनमानी तरीके से यानी कि फीस वगैरह ले रहे हैं, इस पे सबसे पहले हम अंकुश लगाएंगे और उसको एक लिमिट में रखेंगे, ताकि हमारे जो जनता है, गरीब है, उसको परेशानी ना हो और कोई इलाज के अभाव में ना मरे, कोई पैसे के अभाव में ना मरे। यही हमारी रणनीति है और इसी पे हम वर्क करेंगे। तो सर, जो आप आए हैं उनसे बातचीत किए हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से, तो उनसे क्या बातचीत हुई? देखिए, बसहिया में हम आए हैं और हम तो इधर पहली बार नहीं, बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन पहले लोग यानी कि मुझे ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन जब से हम पॉलिटिक्स में, राजनीति में एक्टिव हुए हैं, लोग हमसे यानी कि जुड़ना चाह रहे हैं और बहुत यानी कि नौजवानों का यानी कि डिमांड है कि भाई आप आइए और हम आपके साथ हैं। तो यहाँ कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद है, कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं, जो बहुत सा नेता को हम लोग चुने, जीते हारे जी, कुछ लोग ऐसे हम लोगों को सामने आए जी, जो जैसे दो टाइम जो होता है ना जी, बहुत जो है जो पॉलिटिक्स का टाइम है, एगो ये रोपनी का टाइम है, उस समय गरीब का पूछ होता है जी, नहीं तो वोट के टाइम में पूछ होता, पूछ होता है, बीच में किसी गरीब को कोई नेता नहीं पूछता है जी। तो इससे हम लोग ऊब पड़े हैं, यह लड़का दिलदार है जी, ये जो है जो लगता है जो बनेंगे भी जी, तो मजदूर को मने रोपनी के टाइम नहीं समझ करके जी, जन के तरह नहीं समझ करके ये हमेशा समझेंगे जी, और जो है जो वोट के टाइम ये नहीं समझेंगे जी, इस तरह भी घूमते रहेंगे। बहादुर लड़का है जी, हाँ, इसलिए इनको मैं तो ये जो दाऊद साहब आए हैं जो विधायक में लड़ेंगे, इनको आने में आपके गांव में बहुत परेशानी हुई होगी। मैं भी आया हूं तो मुझे भी बहुत परेशानी हुई रास्ते को देखकर, रोड को देखकर, तो क्या उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे? तो वही तो मैं बता रहा हूं आपको जी, इससे पहले तो मैंने 5-6 आदमी जीते, आज भी तो प्रतिनिधि है ये हैं जी, लेकिन आने में क्या कष्ट है, जाने में क्या कष्ट है, यही तो मैं बताया जी आपको, जो वोट के टाइम नहीं तो रोपनी के टाइम में गरीब का पूछ होता है, बीच में नहीं पूछ होता है। जो अभी रोड है, इसमें अगर एक बार मेरा मैंने माननीय विधायक चले आए, कोई मंत्री चले आए, तब ना वो समझेंगे जो गरीब का दुख क्या होता है। तो ये लड़का समझते हैं, इनको पहले से मैं जानता हूँ, इसलिए इनको हम लोग मैंने यहाँ क्या टिकट के लिए भी जाना होगा तो इनके साथ हम लोग अपनी टीम लेकर के चलेंगे, और यहाँ जब तक यहाँ का स्थानीय जो प्रतिनिधि है जी, उसको हटाया नहीं जाएगा तब तक ये सीट निकलेगा नहीं जी। जी तो इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो दाऊद साहब 21 विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक में लड़ेंगे, तो इनको जहां तक के हो सके वहां तक के ये मेहनत करेंगे। पूरा जो भी हमारे पे क्षेत्र में है, हमारे पंचायत में, हमने कम से कम 25-30 पंचायतों में हम लोग घूमा, हम लोग ग्रुप बना, हम लोग को सपोर्ट मिला है, या हम एक दूसरे को जो है ना आगे बढ़ाए। हम लोगों ने अपने में विचार किया है कि इस लड़का को आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो हम लोगों का कल्याण होगा जी। अब तक के मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज न भूलें, ताकि सबसे पहले हर खबर आप तक के पहुंच सके।